अगला एक सवाल है राजन सिंह जी का। इन्होंने पूछा है एजिस लॉजिस्टिक्स पर, तो एजिस लॉजिस्टिक्स पर नज़रिया आपका क्या है? इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है कि ये कितनी अवधि के लिए लेना चाहते हैं, ले रखा है या लेना चाहते हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक जेनरिक व्यू अभी एजिस लॉजिस्टिक्स पर क्या है आपका? देखिए, इनमें रिजल्ट अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में रिस्क काफी इन्फ्यूज हो गया है, बिकॉज 170 रुपये की चीज जो है 400 रुपये हो गई है, और वो भी आप समझें कि रफली 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर मोर देन डबल है, तो इसका मतलब क्या ये खराब स्टॉक हो जाता है? नहीं, खराब स्टॉक नहीं हो जाता है, लेकिन रिस्क क्वोशेंट इसमें बहुत हाई हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण से मेरा अपना मानना ये है कि करेक्शन हो जाए तो अच्छा है, जितना 300 के तरफ जाए उतना ज्यादा इसमें अच्छा है, उतना हीट इसका निकल जाए और उसके बाद सोच सकते हैं इसके लिए, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। हीट बहुत ज्यादा है स्टॉक में। कंपनी में परफॉर्मेंस आई थिंक लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ ठीक परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ओवर स्ट्रेस्ड है, फूला फूना बहुत जरूरी है। जी, ओवर स्ट्रेस्ड है, और साथ में मुझे ध्यान आता है, मतलब जो एक पैटर्न कह लीजिए या मेरी भाषा में कह लीजिए कटोरी, तो क्या ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया उदाहरण है कि कटोरी कैसे बनती है चार्ट पे? आप, कटोरी तो बन गई है, अभी आप देखिएगा ये कटोरी पलट भी जाएगी, लेकिन हाँ वो फिर आधी कटोरी आधी काट दी जाएगी, जो लेकिन वो भी है कि पलटेगी जरूर, बिकॉज इसमें कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है, हीट बहुत ज्यादा जी बिल्ड। नहीं, तो कटोरी बनने का मतलब ये है कि पहले जो इसने टॉप बनाया था 388.90 के आसपास का, वो टॉप जो है उसे रिविजिट करना था, ये कटोरी बनने का पैटर्न वहाँ पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा टेक्निकल टारगेट इसने पूरा कर लिया, 1.25 साल लगाए इसने। एक बात और ध्यान रखिए कि मतलब जब कटोरी बनने की बात होती है तो वो 2-4 दिन में नहीं बनती है, खास करके जब आप इस तरह के लंबे चार्ट पे देखते हैं, उसको बनने में महीनों लगते हैं, साल साल भर लगते हैं। तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे, साल भर में इसने पहले कटोरी का आधा हिस्सा पूरा किया, उसके बाद उससे कम समय में इसने अपना कटोरी का ऊपर वाला टारगेट हासिल कर लिया, राउंडिंग बॉटम, अगर शुद्ध तकनीकी भाषा में सोमेश जी के शब्दों में कहें तो, मेरे शब्दों में कटोरी। तो अब आपसे ये समझना चाहूँगा, पाठशाला भी इसे कह लीजिए, मान लीजिए कि कहीं भी ऐसा पैटर्न जहां पे पूरा हो जाता है, जहां राउंडिंग बॉटम पूरा होता है, उसके बाद वो शेयर क्या करता है? हाँ, तो राउंडिंग बॉटम पूरा होने के बाद हर तरह के एग्जाम्पल मिलेगा आपको। आपको ये भी एग्जाम्पल मिलेगा कि राउंडिंग बॉटम पूरा होने के बाद फिर से वहां से पूरा करेक्शन शुरू हुआ। वो हो सकता है कि 38% वाला हो, या 62% वाला हो, या 100% वाला भी। तो यहाँ से कंप्लीट डिपेंड करता है कि कंपनी फंडामेंटली क्या परफॉर्मेंस देती है और वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से कितना रूम है और उस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, ये सब के साथ ही आगे देखा जाता है। बिकॉज राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होके अगर ब्रेकआउट आया तो फिर एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा, लेकिन वो साइकिल शुरू होने के पहले एक अच्छा कूल ऑफ होना जरूरी होता है। तो राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होने के बाद अगर उसमें करेक्शन हो जाए तो फिर से उसकी उसमें एंट्री लेना ज्यादा सेफ रहता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि राउंडिंग बॉटम में सीधा ब्रेकआउट भी हो जाए। इसके वैल्यूएशन से ये दिखता है कि 5-10% का अपसाइड और हो सकता है बिफोर करेक्शन कूल ऑफ हो, लेकिन गलती से भी अगर इसने 350 के नीचे क्लोज देना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर इसका पहले करेक्शन होगा और उसके बाद में फिर फ्रेश अपसाइड आएगी। अच्छा, मान लीजिए कोई एक राउंडिंग बॉटम बना है, वो पूरा हो गया है, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी होता है आमतौर पे, तो क्या एक बार फिर एक और छोटी सी कटोरी उसके साथ बनेगी, जिसको फिर आप कप एंड हैंडल कह सकते हैं? क्या उस तरह का एक पैटर्न बनेगा, फिर कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट होगा तो फिर अगली चाल बनेगी? कप एंड हैंडल भी हो सकता है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, दोनों थियरी वैलिड है। कप
कप एंड हैंडल होता है तब जब आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेस नहीं होता है, और कप एंड हैंडल जब बनता है तो वो अपना अपना टाइम फ्रेम भी मैटर करता है। अब इसमें 2 साल का है, अब इसमें जितनी बड़ी कटोरी है उतना बड़ा हैंडल भी बनना चाहिए। वो सिंपल सा थ्योरी लॉजिक है कि अगर बड़ा बर्तन है तो उसको पकड़ने के लिए हैंडल भी बड़ा होना चाहिए, उसमें छोटा सा हैंडल ठीक भी नहीं होगा। तो सब एक्चुअली ये बड़ा छोटा जो है ये मोस्टली टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से दोनों सिचुएशन ओपन रहता है कि कप एंड हैंडल में भी कन्वर्ट हो जाए या थोड़ा डीप कूल ऑफ दे, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो जी।